तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। दो मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। तो बाबू आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में कुछ आगे वाले टॉपिक को। तो पहले हम पिछला कंक्लूड कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक क्या सीखे बाबू, आप पीछे तो नहीं जा रहे, साथ पीछे जाएंगे कि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने। डिस्टेंस क्या है, किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है उसकी जो एक्चुअल लंबाई होती है, जो पाथ कवर किया जाता है उस पाथ की जो एक्चुअल लंबाई होती है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर कोई मूविंग बॉडी जहां से चलना शुरू करता है जहां पे एंड करता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसके बाद में भी हम आपको और कुछ बताए थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद अब एक बात बता, उसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर हम कोई भी मूविंग बॉडी पोजिशन चेंज कर रहा है, यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कवर में वो कुछ ना कुछ टाइम टिकन लेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो जो टाइम लेता है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया, तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो निकालेंगे वो उस मूविंग बॉडी का रफ्तार कहलाता है, यानी स्पीड कहलाता है। स्पीड जो होता है बाबू, स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। और एक चीज हमारे इसमें बताए थे बाबू कि स्पीड जो है, जैसे मान लो कि एक बस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में 5 आवर का समय ले रहा है, तो इसका स्पीड कितना होगा इस बस का, यानी बस दरअसल वो कितने की रफ्तार से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हो गया 100 और टाइम हो गया 5, यानी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बस चल रही थी, जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर में कवर किया है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बाबू वेलोसिटी एवरेज, उसके बाद हम लोग स्पीड में एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किए थे। क्या एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, कि अगर अपने होल जर्नी में, यानी आप अपने होल जर्नी में जितना डिस्टेंस कवर कीजिएगा और जितना टाइम लगेगा उस दोनों का भाई क्या कहलाता है, उस दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो उसका एवरेज स्पीड कहलाता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताए थे कि मान लीजिए कि एक बस है जो फर्स्ट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 120 यानी फर्स्ट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया, अगला 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया, और अगला 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, यानी हर डिस्टेंस को वो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। तो बोल रहा है कि वो बस एवरेज कितनी की स्पीड से चल रहा है वो फाइंड करने के लिए कर रहा था। हम कैसे करेंगे, पहले हमको तो डिस्टेंस मालूम है, फर्स्ट टेस्ट में उसने क्या किया, 60 किलोमीटर कवर किया 20 के स्पीड से, तो डिस्टेंस मालूम हो गया 20, उससे टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस और स्पीड से क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में बोल रहा था 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला था, तो डिस्टेंस मालूम हो गया 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 और 50 के 110 किलोमीटर हो गया, और स्पीड से और ये डिस्टेंस और स्पीड से क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। उसके बाद बाबू हम जो थर्ड जो सिचुएशन में क्या बोले थे, अगला जो वो नेक्स्ट जो जॉडी कर रहा है वो कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 60 किलोमीटर फर्स्ट जॉनी में, उसके बाद 60 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर, उसके बाद कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर, कितना हो गया 60 प्लस 50, यानी 110 प्लस 20 130, यानी टोटल अपनों का होल जर्नी जो हुआ है वो कितना का डिस्टेंस कवर किया उसने अपने होल जर्नी में, 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस और स्पीड के रिलेशन से हम लोग टाइम निकालेंगे, 3 टाइम निकल जाएगा, T1 T2 T3, तीनों को जोड़ देंगे टोटल टाइम निकल जाएगा, तो एवरेज स्पीड निकाले थे। उसके बाद बाबू हम लोग डिस्कस किए थे
जी स्पीड जो होता है वो दो तरह का हो सकता है बाबू, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं जिसको वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ वेरिएबल स्पीड, यानी वो स्पीड जो अपना स्पीड बार बार बदलता रहता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है या वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि हमेशा वो एक ही स्पीड से चलता रहेगा, कभी भी उसका फ्लक्चुएट नहीं करेगा स्पीड, कभी 20 कभी 30 ऐसे नहीं होगा। अगर 40 से चल रहा है तो 40 के ही स्पीड से चलेगा, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो एंड किसके स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करके छोड़ दिए थे वो टॉपिक था बाबू वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या डिस्कस किए थे बाबू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कोई भी मूविंग बॉडी कोई भी पोजिशन चेंज करता है, उसका रेट जो होगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करता है, तो उसका जो रेट होगा वो उसका क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो निगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। तो प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप बताइए कि निगेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएगा, निगेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएगा। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू करता है एक पॉइंट से, और वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर किया, ठीक है, बी पे पहुंचा यानी 5 किलोमीटर, और फिर वो बॉडी यहाँ से मूव कर करके कहा तक सी पे आ गया, वापस आ गया सी पे, तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही ना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही ना है, तो ये क्या होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, और उसमें से ये 5 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 8 - 5 = 5 - 8, यानी ये ऐसे क्या है 5 किलोमीटर, और माइनस 8 जो है वापस गया तो माइनस 8 किलोमीटर ये कर दिए, ये कितना होगा -3 किलोमीटर। अब एक बार बताइए जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया बाबू वेलोसिटी निगेटिव नहीं होगा। अब जैसा है तो एग्जाम से वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया -3 किलोमीटर हो गया, और इस पूरे होल जर्नी को करने में उसको 2 आवर का समय लगा, कितना आवर का समय लगा, 2 आवर का समय लगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये निगेटिव नहीं आया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी जहां से शुरू कराया उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने पोजीशन को बंद कर यानी अपना रेस्ट आ जाता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो ऑलरेडी उसका वेलोसिटी भी निगेटिव होगा। अब एक और एग्जाम्पल बताते हैं, आप एक बात बता रहे हैं वेलोसिटी निगेटिव और भी होता है। अब जैसे आप बाइक चला रहे हैं आप ब्रेक लगा दिए तो धीरे धीरे वो क्या होता रहता है आपके बाइक की रफ्तार घटने लगती है यानी निगेटिव होने लगती है कि नहीं, पॉजिटिव थी आप धीरे धीरे निगेटिव होने लगती है, एक समय निगेटिव होते होते घटते घटते वो क्या हो जाता है वो 0 तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये ब्रेक लगने पर वो क्या हो गया निगेटिव होता गया यानी घटता गया घटते 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 0 पे पहुंच गया। अब बात ये आया कि सर कि वेलोसिटी 0 कब होगा, सर वेलोसिटी जब तक 0 होगा या अगर कोई बॉडी यहाँ पे चलना शुरू किया बी पे पहुंचा फिर वापस आकर के ए पे रुक गया फिर वापस आके ए पे रुक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब कोई बॉडी जहां से चलना शुरू करता है और वहीं पे आकर के रुक जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बाबू तो 0 बाई टाइम कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो या 12 हो जो भी हो, तो 0 बाई 5 या 0 बाई 3 या 0 बाई 2 जो भी हो तो फाइनली रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। यानी इस एक सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब बात ये तो हमको समझ में आ गया वेलोसिटी किसको कहते हैं और वेलोसिटी निगेटिव किस सिचुएशन में होता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तब। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अभी हम आपको बताए ना जब गाड़ी चलना शुरू होता है तो वेलोसिटी क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी बढ़ता जाता होता है कि नहीं, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो उस समय आपके गाड़ी का जो स्पीड वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है वो क्या होता है 0 होता है। जैसे ही निकलना शुरू होता है 10-5 किलोमीटर पर अपर होता है 15 किलोमीटर फिर
15 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर इस तरह से होते होते 60 या 40 तक जाता है, इंक्रीज हो रहा है ना जी बाबू, तो यहाँ पॉजिटिव होता जा रहा है। और जब हम ब्रेक लगाते वो धीरे धीरे माइनस होता जाता है, तो या ये क्या कहलाता है, निगेटिव हो रहा है। ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, कि एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है बाबू, इनिशियल वेलोसिटी और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों को जोड़ेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि वो गाड़ी इतना एवरेज इतना के वेलोसिटी से वो चलाता है। अभी हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जो मान लीजिए कि यह हाईवे है, ये मान लीजिए कि हाईवे है और गाड़ी यहाँ से चलना शुरू कर रही है, गाड़ी यहाँ से चलना शुरू कर रही है और ये गाड़ी यहाँ पर भी पहुंची होगी, चल करके यहाँ पे पहुंची होगी, फिर गाड़ी यहाँ से चल करके यहाँ पहुंची होगी, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी है जीरो, यहाँ पर इसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हो गया जीरो मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया यहाँ पर वेलोसिटी, इसका होगा बाबू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इस गाड़ी का वेलोसिटी हो गया बाबू किलोमीटर में कर लेते, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और इसका यहाँ पर भी वेलोसिटी कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जाएगा कि ये गाड़ी जो है यहाँ, अगर इस दोनों सिचुएशन, यहाँ ये पॉइंट पे है, यहाँ बी पॉइंट पे है, यहाँ सी पॉइंट पे है, तो पूछा जाएगा बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में उस गाड़ी का एवरेज स्पीड कितनी थी। हम क्या करेंगे, तो बी और सी के बीच में एवरेज स्पीड अगर कहेगा निकलने के लिए, तो बी पे इसका वेलोसिटी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, और सी पे इसका वेलोसिटी कितना है यानी 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 30 यानी 50, 50 बाय 2 इट मीन 25 किलोमीटर पर आवर। यानी ये पता चला कि गाड़ी जो है बी से सी से तक जो चला शुरू हुआ तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था गाड़ी का, वो 25 किलोमीटर पर आवर था। तो अगर आप ये क्या हो गया बी और सी में का मतलब हो गया, तो बी एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या जाते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, जिस पॉइंट से काउंट करना है, तो वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और जहां तक पर में वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो वो पॉइंट उसका क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी होगा। तो ये अभी बी और सी पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगा और फाइनल वेलोसिटी ये होगा। अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो ए पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और सी पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 है, दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन 30 बाय 2 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी ये पता चला कि ए और सी के बीच में जो गाड़ी चल रही थी वो एवरेज कितना के स्पीड वेलोसिटी से चल रही थी, वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी। तो ये आप समझ में आया कि स्पीड का एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी मालूम होगा और गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी मालूम होगा, दोनों को ऐड कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, वो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। एक चीज और याद रखिए बाबू, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब एक चीज बता दे, जिस तरह से हम स्पीड में बता दे कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसी तरह वेलोसिटी भी जो होता है बाबू वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो आज हम ये पढ़े स्पीड ब्रेकिंग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव भी बता दे, कैसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू एक्सलरेशन, ठीक है, मेन टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक्सलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन
एक्सेलरेशन को शॉर्ट में बाबू ऐसे लिखते ACCL-D का एम देते, ACCL-D के ऊपर में एम डाले तो वो एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि कब कहिएगा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसको कहिएगा, आप जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बताए आप गाड़ी स्टार्ट किए और गाड़ी का एक्सेलरेटर लेते हैं, क्या होता है टाइम टू टाइम उसका स्पीड बढ़ता जाता है, टाइम टू टाइम क्या होता है उसका स्पीड बढ़ता जाता है। जब आप ब्रेक लेते हैं हर सेकेंड टू सेकेंड या मिनट टू सेकेंड टू सेकेंड उसका स्पीडी क्या होता है घटा जाता है। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये जो स्पीड यानी स्टार्ट करने में जो स्पीड में यानी स्टार्ट करने में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है और ब्रेक लेने पर जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है वो चेंज होने में यानी मान लिया गाड़ी चल रहा है, सुन लीजिए गाड़ी चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, गाड़ी कितना के वेलोसिटी से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और इमीडिएटली कोई आदमी आ जा रहा है हम ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए विद इन 5 मिनट में उसका वेलोसिटी हो गया 20 यानी 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल रहा था और ब्रेक लगाए विद इन 5 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये चेंजिंग हो गया और ये चेंजिंग होने में जो टाइम लगा बाबू उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करने की बात होगी द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझा दीजिए सर, एक्सेलरेशन एक बार और समझा दीजिए। हाँ एक बार और समझा दे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी हम जैसे हम अभी बता रहे थे कि हम बाइक चला रहे हैं और मेरे बाइक का जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इमीडिएटली रास्ते में कोई आदमी आ गया तो हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाए तो हमको पता चला कि हम 5 सेकंड में विद इन 5 सेकंड में हम ब्रेक लगाते हैं, विद इन 5 सेकंड में मेरा ब्रेक बाइक वेलोसिटी कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हम जो ये जो ब्रेक लगाए तो ये जो चेंजिंग हुआ वेलोसिटी में और ये चेंज होने में यानी 50 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक जो चेंजिंग हुआ है वेलोसिटी में उसमें जो टाइम लगा उस दोनों का रेशियो निकालेंगे वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसी इसलिए इसको कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन यानी रेट यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुआ। अभी जैसे मान लीजिए कि हम अभी चल रहे थे, अभी हम चल रहे थे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया तो और हम और ब्रेक लगाए तो हमारा हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को, फर्स्ट में ए लिख जाता है बाबू एक्सेलरेशन को, पहले इसको लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए एंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यानी इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या बोल लिखे बाबू, एक्सेलरेशन इक्वल टू बोले थे चेंज इन वेलोसिटी By time. Acceleration equal to क्या होगा? Change in velocity by time. तो velocity में जो changing आएगा, तो changing आएगा तो final उसमें दो ही velocity होगा, या तो initial या तो final. या तो ये क्या होगा? Acceleration को first में a लिखा जाता है, तो a equal to change in velocity मतलब final velocity minus initial velocity. Final velocity में से initial velocity को घटाएंगे तो वो क्या होगा? वो हमारा change in velocity होगा by टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया वी माइनस यू बाय टी, वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी और टी इज द टाइम, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी
U is initial velocity. R T is time. इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी V एक्सटेंड हो रहा है फाइनल वेलोसिटी को और U इनिशियल वेलोसिटी को, R T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी एक्सेलरेशन के बराबर के बारे में हम लोग जाने, और इसके बारे में और कुछ जानना है अभी, जैसे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए कि हम वेलोस यानी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं और मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 50 और हम ब्रेक लगाए तो वो कितना के रफ्तार से हो गया? वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हम एक्सेलरेशन इक्वल, अभी हम साथ समझा रहे हैं, a इक्वल टू क्या यहाँ से v माइनस ui t। तो हम चल कितना के रफ्तार से, हम चल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये हो गया तो 50 इनिशियल हो गया और हम चल यानी ब्रेक लगाने पर कितना रफ्तार हो गया 20 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 20। तो 20 माइनस 50 बाई टाइम मान लीजिए कि 5 आवर का समय लगेगा, मान लीजिए 5 घंटे का समय लगा, तो 5 आवर लिख दिए। अब एक बात बताइए, 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 30, माइनस 50 में से प्लस 20 जाएगा तो माइनस 30 बाई 5, 5 सी जा 30, क्या आया बाबू बताइए? माइनस कैलकुलेशन के क्या आया बाबू? हेलो, माइनस 6 जो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है रिटार्डेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिटार्डेशन, द निगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है सर, का जो बोलो राज सर। हाँ बोलो बाबू। सर ये वाला ये साइड का होता है ना, इस साइड का? हाँ पूरा बताइए। हाँ बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और आदमी रास्ते में आ गई तो आप ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए तो वो 20 मीटर पर आवर की स्पीड से हो गया। ठीक है, तो उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? माइनस 30 किलोमीटर, यानी घर रहा है ना, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर होगा और उसमें जो टाइम लगा मान 5 घंटे का समय लगा, 5 से डिवाइड किया तो माइनस 6 निकला ना बाबू, तो ये एक्सेलरेशन निकालता है, यानी ये चेंजिंग आया उसका जो रेट हो गया वो एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन का ये निगेटिव में ना गया, माइनस में ना गया, तो माइनस वैल्यू जो एक्सेलरेशन का निकलता है ना वो रिटार्डेशन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा रिटार्डेशन किसको कहते हैं तो आप यही जवाब दीजिएगा, द निगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, द निगेटिव वैल्यू of acceleration is called retardation. ठीक है, तो हम लोगों ने जो आज जो डिस्कस किया है, जो न्यू टॉपिक था वो एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration, और acceleration का equation क्या आया? A equal to V minus U by T, और एक retardation किसको कहते हैं? acceleration का जो negative value होता है वो उसका retardation कहलाता है। अब हम थोड़ा सा acceleration के बारे में जाने, acceleration के बारे में क्या क्या जानते हैं? बता रहे हैं बाबू कि acceleration is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, क्योंकि acceleration को represent करने के लिए तुमको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा और किसका? मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ेगा। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, यानी इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया बाबू? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और दूसरा चीज क्या पता चला कि वेलोसिटी जो होता है यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव जो होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया रिटार्डेशन दिया गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव,
यानी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए यार आपको बता दे कि जब हम रुक बाबू दो मिनट हाँ तो बाबू हम लोग क्या डिस्कस किए थे, लाइट चली गई है इसीलिए गेट खोल दिए। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन में बाबू हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो मेरा एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं ना वो घटता जाता है, तो उसमें ब्रेक लगाते समय में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। स्टार्ट करते समय पॉजिटिव और रोक ब्रेक लगाते समय निगेटिव होता जाता है, और जब वो रुक जाता है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यानी इट मे बी निगेटिव जीरो और पॉजिटिव। उसके बाद इट एस आई यूनिट, इट एस आई यूनिट इज, इट एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कुल मिलाकर के हमने जो न्यूमेरिकल बेस्ड बेस टॉपिक था वो टोटल पांच था बाबू, पांच था। एक क्या हो गया डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी और पांचवा एक्सेलरेशन। ये चीज के बारे में हम लोग जान गए एक्सेलरेशन के बारे में। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं उससे क्वेश्चन और क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन के बारे में अभी तक में कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है बाबू तो वो अनम्यूट होकर के हमसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हो। पूछो सर। हाँ बोलो बाबू। सर ये सर का नहीं बताया, इस सर का, इस साइड। हाँ हाँ देखो बाबू, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिखा हुआ है ना, तो वी क्या होता है, वी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, यानी जिस रास्ता से तुम चल रहे हो, और जब तुम ब्रेक लगा या ब्रेक लगा तो रुकने लगा, यानी वेलोसिटी कमने लगा ना, तो ये भी यू जो हो गया, नहीं यू जो हो गया वो, यू जो हो गया वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया और वी फाइनल वेलोसिटी हो गया, यानी जहां पे वो खत्म किया, और उसको करने में जो टाइम लगा होगा उसको टी से रिप्रेजेंट किया गया, तो वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी जहां पे वो खत्म किया वेलोसिटी को, और यू जो हो गया जहां पर वो वेलोसिटी क्वांटिटी है, वेक्टर वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दिखाने के लिए, यानी वेक्टर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दिखाने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा, तो वो हम कहेंगे क्या कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे हमारे घर के सामने कोई बाइक वाला एक्सीडेंट करके चला गया, कोई बाइक वाला क्या करके चला गया, एक्सीडेंट करके चला गया। हम अगले मतलब थाने को इंफॉर्मेशन किए कि ये नंबर का बाइक इतना के रास्ता से वो उत्तर की ओर जा रहा है, क्या किधर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, यानी बाइक जो है, सुन रहे मेरी बात को, गौर से सुनिए कि एक आदमी मेरे रोड पे एक्सीडेंट कर दिया बाइक से, और वो बाइक का नंबर हम लिख लिए और हम पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किए कि देखिए फलाने नंबर की बाइक इतना एवरेज इतना की स्पीड से चल रही थी, यानी 20 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है और वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो वो स्टेशन को पता चल गया ना कि वो इतना की स्पीड से ये बाइक चल रहा है, ये नंबर की गाड़ी है और इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो थाना क्या करेगा, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बाइक, वो थाने को यानी उस थाने को इन्फॉर्म करेगा, उस डायरेक्शन के थाने को इन्फॉर्म करेगा ये नंबर की गाड़ी आ रही है उसको रोकना है। तो ये डायरेक्शन क्या बताना पड़ा, स्पीड उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ा और डायरेक्शन भी बताना पड़ा, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ। समझ में आया या नहीं आया? हेलो 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 नहीं सर, नहीं क्या हुआ सर, एक बार समझा दीजिए। समझ में आया नहीं सर, एक बार समझा दीजिए। गौर से एक, हाँ एक बाइक जो है ना मेरे रोड पर किसी आदमी का एक्सीडेंट कर दिया और वो बाइक बहुत तेजी से चला गया, हमने बाइक का नंबर नोट कर लिया और हम अपने पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्म किया
ये नंबर का बाइक हमारे घर के सामने एक्सीडेंट करके इतना के रफ्तार यानी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और ये भी बता दिए कि सर वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो हमारा रंदई स्टेशन है साउथ की तरफ, हम गाड़ी किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो वो जो हमारा साउथ स्टेशन जो साउथ का जो थाना है वो कॉल करेगा, साउथ डायरेक्शन का जो थाना है वो कॉल करेगा नॉर्थ डायरेक्शन वाले को कि ये नंबर की गाड़ी इतना की रफ्तार जा रही है उसको वही रोकिए उसको, क्योंकि वो इतनी जगह पे एक्सीडेंट करके गया, तो वो बैरिकेडिंग करेगा थाना और रोकेगा, तो अगर डायरेक्शन नहीं बताते तो कोई पकड़ पता उसको, हाँ या ना बोलिए, अगर डायरेक्शन नहीं बताते कहते कितना क्या स्पीड से चला गया, मार कितना क्या स्पीड से चला गया, डायरेक्शन नहीं बताते तो वो गाड़ी पकड़ाएगी कभी नहीं सर, जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, वही उसको क्या कराएगा वेक्टर क्वांटिटी कराएगा, समझ में आया दूसरा, और स्केलर क्वांटिटी को भी समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते बाबू, तो अब मान लिया कि हम जो गाड़ी चलाते हैं तो उस पर दो मीटर लगा हुआ होता है, एक फ्यूल मीटर लगा हुआ होता है और एक स्पीडो मीटर लगा हुआ होता है, होता है कि नहीं होता, बाइक में या कोई भी फोर व्हीलर वगैरह में होता है, एक फ्यूल मीटर होता है जो बताता है, एक फ्यूल मीटर ये बताता है कि आपके गाड़ी में फ्यूल कितना है, और दूसरे में क्या बताता है बाबू, दूसरे में ये बताता है कि आपका गाड़ी कितना की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यस सर, देखो तो वो जो स्पीड वो बताते हैं कि आप क्या गाड़ी जो चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है कि आपका गाड़ी इतना के स्पीड से चल रहा है, वो कभी आपको बताया आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं कि साउथ की ओर जा रहे हैं, बता रहा है ना, बताता है वो क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, जो डायरेक्शन नहीं बताएगा वो एक्सेलर होगा, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताएगा वो क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, कोई दिक्कत इसमें, एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं, आज हमको आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ढेर सारा प्रॉब्लम आज हम देंगे, और कुछ प्रॉब्लम हम कल उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वेरिफिकेशन एस इक्वल टू यू टी लगाते हैं, पी एस आर का ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, ये सब हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे।